नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं बल्कि टेट की तैयारी के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। और मैं ज़्यादातर अब टेट की तैयारी के टॉपिक ही डालूंगा, क्योंकि समय की अब यही मांग है कि संघर्ष के साथ साथ हमें शिक्षण कार्य भी करना है, पढ़ना भी है और टेट भी क्लियर करना है, स्कूल में पढ़ाना भी है, ये अपनी तैयारी भी करनी है और संघर्ष भी सरकार के संग आपका जारी रहेगा। लेकिन चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे अपलोड कराता रहूँगा इसमें, जिसमें आप एक बार बस देख लेंगे तो ही आपको बहुत कुछ याद रहेगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं भी कोशिश करूँगा कुछ ऐसे टॉपिक लाने की जो आपके लिए बहुत फायदे रहेंगे। क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि अब टेट में सिर्फ 1 से लेकर 8 तक का सिलेबस ही आएगा, लेकिन जो आएगा वो परिषदीय पुस्तकों से आएगा। और बीटीसी के लिए यानी बाल मनोविज्ञान के लिए आपको बीटीसी की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। बीटीसी जो सरकारी पुस्तकें चल रही हैं उन्हीं को आपको पढ़ना चाहिए पहले, बाद में आप और भी ज्ञान लेने के लिए कुछ भी पढ़ें, लेकिन पहले उन बीटीसी की पुस्तक को जरूर क्लियर करना है। तो मैं उन्हीं पुस्तकों से थोड़ा सा सार निकाल कर, उनका निचोड़ निकाल कर यहाँ पर लेके आया हूँ। और पहले हम उसी किताब को ख़त्म करेंगे, बाल मनोविज्ञान टॉपिक को लेके। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की ये टॉपिक है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। तो चलिए हम जानते हैं आज इन दोनों टॉपिक को, और हम आगे भी ऐसे ही टॉपिक के डिस्कस करते रहेंगे, उस किताब से एक एक टॉपिक लेके आपको क्लियर करते रहेंगे। बस आपको नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को भी, ताकि टेट की तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो है मैं आप तक पहुँच सकें। तो आज के टॉपिक है शिक्षण क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यह हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने देश के भावी कर्णधारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित रूप से संचालित करने वाले केंद्र के रूप में विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। यानी विद्यालय शिक्षा का एक केंद्र बिंदु है, यहीं से शिक्षा की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, विद्यालय ही वो एक केंद्र बिंदु है। अब इसमें जो मेन है वो है यहाँ पर शिक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। यानी शिक्षण का अर्थ में यहाँ पर सिंपल भाषा में जो कहा गया है वो यही कि विद्यालय में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है, और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। औपचारिक रूप से यही एक शिक्षण की परिभाषा सामान्यतः हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षण कार्य केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान कौशल व्यवहार और दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें समाज की भी आवश्यकता पड़ती है, सामाजिक परिवेश की आवश्यकता पड़ती है और पारस्परिक सहभागिता। पारस्परिक सहभागिता का मतलब होता है कि जहाँ हम एक दूसरे के सहयोग से मदद कर संगठित रूप से कोई भी हम कार्य करते हैं, तो शिक्षण कार्य भी ऐसा ही है। जब हम छात्रों के संग पारस्परिक सहभागिता निभाते हुए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए, उनको सीखने का अवसर देते हुए, उनको गाइड करते हुए, उनको शिक्षण जब कार्य करते हैं, तो वो हमारा शिक्षण कार्य अति उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये पारस्परिक सहभागिता भी शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, ये शिक्षण का सामान्य अर्थ है। और इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, दूसरे बिंदु में हम आपको बता रहे हैं कि चर्चा से प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय गत्यात्मक अंतःक्रियात्मक व स्वोद्देश्य प्रक्रिया। इन तीनों शब्दों को जरा ध्यान से, त्रिध्रुवीय यानी तीन ध्रुव है इसमें, गत्यात्मक यानी कंटिन्यूस चलने वाली, अंतःक्रियात्मक यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच, क्योंकि शिक्षण कार्य दो से कम लोगों के बीच नहीं हो सकता है, शिक्षक को एक छात्र जरूर चाहिए पढ़ाने के लिए, और स्वोद्देश्य यानी पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ये तीनों चारों शब्दों का अर्थ बस यही है, और जिसके तीन प्रमुख ध्रुव हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया के तीन ध्रुव होते हैं, जिसमें पहला शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक पढ़ाने वाला, शिक्षार्थी सीखने वाला, और क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी हमारे लिए ध्रुव। तो ये ध्रुव हमें ध्यान रखने हैं, कभी कभी पूछ लिया जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने ध्रुव होते हैं या कौन कौन से ध्रुव होते हैं। तो पहले में शिक्षक, फिर पाठ्यक्रम, फिर शिक्षार्थी और चौथे में दे रखा होगा आपको ये सभी। तो हमें ये सभी पे क्लिक करना है और याद रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के तीन ध्रुव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है शिक्षण और अधिगम।
एक दूसरे से संबंधित है। यानी जब तक हम शिक्षण कार्य नहीं करेंगे तब तक तो बच्चा नहीं सीखेगा। सीखने अधिगम यानी सीखना ही अधिगम कहलाता है। तो शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना उत्पन्न हो। यानी जब तक जो ज्ञान हम सीख ना लें और उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाए तो वो सीखना बेकार है। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। यानी इस लाइन को समझिए, शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। यानी हम बच्चों को पढ़ाते रहे और बच्चा कुछ सीखना नहीं चाहता है, उसका दिमाग कहीं और है, वो सीख नहीं रहा है, तो हमारा शिक्षण कार्य बेकार है। शिक्षण की प्रक्रिया को और भी तीव्र और भी प्रभावशाली और अच्छा बनाया सकता है यदि बच्चा सीखने के लिए उत्सुक हो। यानी उसके अंदर इंटरेस्ट हो, वो उस समय सीखना चाह रहा हो तो जल्दी सीख लेता है। शिक्षण का व्यापक एवं संकुचित अर्थ, यहाँ पर हम अर्थ की बात करें तो दो अर्थ बताए हैं, व्यापक है एक संकुचित अर्थ है। तो शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है। शिक्षा की भांति शिक्षण के भी दो अर्थ हैं। अगर शिक्षण के दो अर्थ बताए हैं व्यापक और संकुचित अर्थ में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण का व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग में कि इसका विस्तृत अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो इन शब्दों को बस याद रखना है, शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही शब्द हमने एक जगह पढ़ा था, वो था विकास। ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना भी ये हमारा चलता है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति वस्तु वातावरण साधन माध्यम घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती है। यानी सिखाने वाला एक व्यक्ति हो यह आवश्यक नहीं है। वस्तुएं वातावरण साधन माध्यम और घटनाएं तो विशेषकर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। मैं उस घटना से ये सीखा हूँ हम अक्सर कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो शिक्षण कार्य है वो किसी वस्तु या घटना के द्वारा भी हुआ है और ये एक प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। परिवार की बात करें हम तो सबसे पहले बच्चा परिवार में ही सीखता है, तो शिक्षण उसका परिवार से ही शुरू हो जाता है। फिर विद्यालय से, फिर समाज से, फिर वातावरण से, फिर उद्योग से, फिर सिनेमा से, राजनीति, कला और साहित्य से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यार नहीं प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी मनुष्य को कुछ ना कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। औपचारिक जहाँ हम विशेषकर किसी निश्चित उद्देश्य के साथ सीखते हैं, अनौपचारिक जो हमें अचानक जो कोई घटना होती है और उससे हम कुछ सीख जाते हैं, उसको अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो ये शिक्षण का व्यापक अर्थ था जिसको हमने जो बताया, और इसके शिक्षण का संकुचित अर्थ भी हम जानेंगे। शिक्षण का संकुचित अर्थ नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग में इसमें क्या क्या गया कि जो हमने पहले पढ़ा कि शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर से उसको थोड़ा सा संकुचित करते हुए अब क्या कर दिया, देखिए यहाँ बॉक्स में एक डेफिनेशन दे रखी है कि निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर निश्चित अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। यानी सब कुछ लाइफ की बात ना करके केवल एक फिक्स की बात कर ली है कि निश्चित उद्देश्य, यानी कोई भी स्कूल जब हम पढ़े तो दिमाग में हमारे स्कूल होना चाहिए। अब स्कूल हम जाते हैं तो एक निश्चित उद्देश्य को लेके जाते हैं, निश्चित समय में जाते हैं, निश्चित स्थान पे जाते हैं, निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा यानी टीचर्स के द्वारा हमें वो शिक्षण प्रक्रिया मिलती है सीखने के लिए। हम शिक्षण के द्वारा हम कुछ ज्ञान सीखते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य है कि विद्यालयों में से दिया जाने वाला ज्ञान, विद्यालयों में किए जाने वाला शिक्षण कार्य शिक्षण का एक संकुचित अर्थ होता है। संकुचित अर्थ में बालक को ज्ञान सूचना जानकारी परामर्श देना ही शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। पूर्व नियोजित पहले से फिक्स होता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं। बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक दिया जाता है, समय तय होता है कितने वर्ष विद्यालय खुलेगा और वहाँ पर बच्चे कितने वर्षों तक जाएंगे। इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। औपचारिक साधन आ गए यानी हम जो सिखाते हैं वहाँ पर TLM है, ब्लैक बोर्ड है, जो मटेरियल है, पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम है, वो सब उसमें आता है। विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण ही संकुचित अर्थ है शिक्षण का। तो ये था संकुचित अर्थ।
इसके बाद एक लेखक हैं कुछ और उनकी परिभाषाएं हैं। इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए परिभाषाएं बहुत होती हैं, हम अक्सर याद नहीं करते हैं कि कितनी परिभाषाएं हम याद करें, लेकिन अगर हम BTC की जो सरकारी किताब है उसके सभी लेखकों की परिभाषा याद कर लें तो उसमें से फंसना निश्चित तय है, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादातर परिभाषाएं पूछी जाती हैं और इस बार संभावना ज़्यादा है क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि मैं सिर्फ परिषदीय और सरकारी किताबों से ही टेट का पेपर बनाऊंगा, ये सरकार का कहना है। तो इसलिए हम फिलहाल सरकार की किताब पढ़ते हैं और इसमें परिभाषाएं देखिए, परिभाषाएं याद करने के लिए पूरी परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ना है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। याद करने के लिए कुछ और है, याद करने के लिए हम आपको बता दें कि जैसे सिर्फ डॉक्टर मातृ के अनुसार सिर्फ क्षण की क्या परिभाषा है, तो इस पूरी परिभाषा में वो वर्ड ढूंढना है जो और परिभाषाओं में मिलना मुश्किल है, या जो इस परिभाषाओं को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, उस बात को प्रभावशाली बनाता है, वो परिभाषा प्रभावशाली बन जाती है उस विशेष शब्द से। उसी विशेष शब्द को ढूंढना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, उसी को उस राइटर के साथ जोड़ना है। तो देखिए शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप, देखिए ये आया है, ये हर जगह नहीं होगा, अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता, एक हल करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना कर सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर सके, उसे संगठित रूप से प्रयोग कर सके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये डॉक्टर माथुर के अनुसार है, बस आप इस परिभाषा को 3-4 बार पढ़िए, बस याद रखना है कि माथुर के अनुसार शिक्षण अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करना है, बस इतना याद रखना है। डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का अर्थ अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करना है, इतना याद रखेंगे परिभाषा हमें पूरी याद आ जाएगी कि वो कौन की थी। दूसरा राइंस के अनुसार, अब राइंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की क्रिया को शिक्षण कहते हैं। इसमें देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, एक दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने, ये निर्देशित वर्ड बार बार आया है तो ये वर्ड हमें याद रखना है राइंस के साथ। राइंस निर्देश देते हैं शिक्षण के अनुसार, उनका कहना है कि शिक्षण हम एक दिशा निर्देश देने और निर्देशित करने की प्रक्रिया है, तो ये बस हमें याद रखना है निर्देश और दिशा निर्देश ये याद रखने हैं। योकम यानी सिम्पसन्स और ये दोनों का कहना है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। तो सिम्पसन के अकॉर्डिंग शिक्षण पथ प्रदर्शन करने का साधन है, और बढ़ा दें इस लाइन को, सिम्पसन के अनुसार शिक्षण अपरिपक्व सदस्यों को या छोटे सदस्यों को पथ प्रदर्शन करने का कार्य है। तो ये इतना याद रखना है, 3 वर्ड याद रखने हैं, शिक्षण अपरिपक्व और पथ प्रदर्शन, तो ये हमारी परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। चौथा तो है जेम्स एम थाइन, जेम्स एम थाइन की परिभाषा वैसे ही छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सीखना है कि सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है, तो शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। तो ये आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं इस तरह से, एक तरफ हम औरता लिख सकते हैं और दूसरी तरफ इन शब्द को लिख सकते हैं और उस टेबल को शब्द के आगे याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके आप केवल परिभाषाओं में हाईलाइटर से इन शब्द को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जब भी उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जब भी आपको सामने परिभाषा आएंगी तो केवल आपको ये शब्द ही हाईलाइटेड दिखाई देंगे और आप सब परिभाषाओं को पहचान जाएंगे। दोस्तों यही था आज का टॉपिक, आज की परिभाषाएं हो चुकी हैं, व्यापक अर्थ हो चुका है, और ऐसे ही BTC की बुक से नेक्स्ट और टॉपिक लाएंगे, उन्हें समझाएंगे, वर्ड जो भी वर्ड कठिन कठिन आते हैं उनका अर्थ समझाएंगे ताकि उस अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं इस चैनल पर अपडेट की तैयारी की मटेरियल डालता रहूँगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को भी, ताकि अब टेट की तैयारी की भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये मैटर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को और को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। तो मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।